उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दूल्हा घोड़ी चढ़ने ही वाला था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। आपको बता दें कि बारात पूरी तैयारी के साथ अमेठी जिले के कमरौली गांव से हैदरगढ़ की ओर बढ़ रही थी और हर कोई खुशी के माहौल से सराबोर था और दूल्हे के अरमान तो सातवें आसमान पर थे। इसी दौरान आधे रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ कि बारात ससुराल पहुंचने के बजाय प्रशासन के घेरे में पहुंच गई। दरअसल शादी के लिए निकले दूल्हे और उसके पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जैसे ही रिपोर्ट की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को हुई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में आधे रास्ते में ही बारात को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि दूल्हा और उसके पिता हाल ही में दिल्ली से घर लौटे थे और जांच के बाद दूल्हा और उसके पिता दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दूल्हे और उसके पिता सहित परिवार के 10 सदस्यों को भी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका टेस्ट करने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। सीएमओ के मुताबिक बीते दिनों ये परिवार दिल्ली से आया था, जहां से लौटने के बाद अगले दिन परिवार वालों के सैंपल लिए गए थे और देर रात रिपोर्ट आई, तब पता चल पाया कि परिवार में दूल्हा और उसके पिता दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी के चलते दूल्हा घोड़ी तो चढ़ा, लेकिन अपनी जीवन संगनी से मिलन अधूरा ही रह गया। अमेठी से जनमत न्यूज के लिए राम मिश्रा की रिपोर्ट।